हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूं आपका रजत और वेलकम टू माय चैनल द रजत। तो आज मैं अपनी अगली वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि यूएई में जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होता है स्लैब का, वो होता है रिप स्लैब। तो मैं आज की वीडियो रिप स्लैब पर बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिप स्लैब में आपको कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, और साथ ही साथ में इसमें कैसे आपको स्टील डालना है, और इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपको इसमें कैसे करने हैं, वो मैं आपको ड्राइंग में प्रॉपरली शो करके बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और इस वीडियो से आपकी नॉलेज में ज़रूर गेन होगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी ड्राइंग है और ये हमारा एरिया है उस स्लैब का। और सबसे पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको बीम की डिटेल दी गई है, B1, B2, B3। ये आपका आउटर बीम है, जिसका शेड्यूल आपको यहाँ पे ड्राइंग में गिवन होगा। ये शेड्यूल ऑफ बीम है और इसमें अलग अलग आपके बीम के जो भी डिटेल है वो सब दी गई है। और इसके बाद आपको ये पूरी स्लैब की डिटेल दी होगी आपके शेड्यूल ऑफ रिप स्लैब में, जैसे कि आप देख सकते हैं RS1 की, रिप स्लैब 1 की पूरी डिटेल दी गई है। और साथ ही साथ में उसका जो DR बीम है उसकी भी डिटेल आपको इसमें गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस आउटर बीम को बांध लेंगे, वो मैं आपको आगे अपनी वीडियो में दिखाऊँगा। और उसके बाद हम अपने जो बाकी अपने रिप स्लैब और DR बीम होगा, ये जो हिडन बीम है, इसको हम फिर बांधेंगे। तो चलिए, अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि साइड पे हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे कौन सा काम शुरू करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब आप पूरी सपोर्ट्स ऐसे स्लैब की लगा लें, उसके बाद आपको प्लाईज इनके ऊपर फिक्स करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा आउटर बीम है, जो B1, B2 हमें ड्राइंग में दिया गया था, ये वो वाला बीम है। और इस बीम के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो वीडियो से देख सकते हैं कि आपको ये बीम कैसे बांधना है। तो आउटर बीम बांध लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको हिडन बीम फिक्स करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं HP1, इसकी जो डिटेल है हिडन बीम की, ये आपको यहाँ पे शेड्यूल में मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये शेड्यूल ऑफ बीम है और यहाँ पे HP1 की डिटेल दी गई है। ये 60x32 का बीम है, 60 इसकी विड्थ है और 32 इसकी हाइट है। और बाकी इसमें 6 स्टील बॉटम रेनफोर्समेंट में है और 6 ही स्टील इसके टॉप में है। और इसी के साथ साथ जो इसके स्टीरअप्स होंगे, वो L/4 तक इसके 8 मिली का स्टील है, 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर उसकी स्पेसिंग है, और मिड स्पैन में इसकी 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर उसकी स्पेसिंग है। और इसका जो रिंग बनेगा वो 4 लेग्ड बनेगा, डबल रिंग बनेगा इसका। तो जब आप HP1 फिक्स कर लें, उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको साइड पर बताता हूँ। तो हिडन बीम बांध लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको रिब्स की मार्किंग कर लेनी है। जैसे हिडन बीम के साथ सबसे पहले ब्लॉक आएगा, फिर रिब आएगी, उसके बाद फिर एक ब्लॉक आएगा, उसके बाद फिर एक बीम आएगा। तो इसी हिसाब से आपको ये पूरी मार्किंग कर लेनी है। और आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आपकी जो रिब्स की डायरेक्शन है वो सही हो। वो आपको ड्राइंग में कैसे देखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसी के साथ जब आप ये मार्किंग कर लें, आपको यहाँ पर एक एक रिंग फिक्स कर लेना है, ताकि आपकी वो जो मार्किंग है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका स्टील आपको पता हो कि किस रिंग में कैसे डालना है। तो रिब्स के जब आप रिंग बांध लें, तो उसके बाद आपको क्या करना है,
आपको ये जो डी आर बीम है इसको बांध लेना है। ये जो यहाँ पे डी आर बीम है, ये जो डोटो डोटो लाइन है, इसमें एक डी आर बीम आएगा, आपको वो बांध लेना है। डी आर बीम की जो डिटेल है वो आपको शेड्यूल ऑफ रिप स्लैब में मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डी आर बीम है, तो इसी हिसाब से जब आप ये डी आर बीम बांध लें उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिप्स के जो बार्स होंगे वो आपको बांधने शुरू कर देने हैं। और साथ ही साथ में ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है, यहाँ पर जो ये डॉटेड लाइन है, ये एक बीम है, ये सपोर्ट के लिए ये बीम दिया जाता है। और ये पूरी चारों तरफ आपको ये वाला बीम घुमाना होता है। जैसे कि आप ये ड्राइंग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हर एक सेक्शन की डिटेल दी होगी। और हमें अभी जो हमारा सपोर्ट बीम है उसकी डिटेल देखनी है, तो उसके लिए हमें कौन सी डिटेल देखनी है, डिटेल ऑफ हुर्दी स्लैब। इसमें क्या है, ये हमारा जो B1, B2 और B3 वाला जो बीम था ये वो है एज पर शेड्यूल जो हमने देखा था। और उसी के साथ साथ ये वाला जो हमारा बीम है, ये हमारा सपोर्ट बीम है। खाली इतना जो हमारा ये बीम है, ये सपोर्ट बीम है जो हमने चारों तरफ अपने स्ट्रक्चर के घुमाया था। तो ये वो वाला बीम है, इसमें इसकी डिटेल दी हुई है। 3 स्टील टॉप पे आएंगे 14 mm के, और 3 स्टील ही बॉटम में आएंगे 14 mm के। और इसके स्टीरप्स जो रिंग हैं वो आएंगे 6 रिंग आएंगे पर मीटर में 8 mm के। ओके, तो उसी के हिसाब से आपको इसकी स्पेसिंग निकाल के इसके रिंग डाल लेने हैं और ये वाला बीम बांध लेना है। तो इसी के साथ साथ बाद में आपको जब ये आप बीम बांध लें उसके बाद आपको ब्लॉक रखने हैं, फिर उसके बाद आपका ये बीम आएगा। इसकी आपको डायमेंशन प्रॉपरली दी हुई है 16 mm टॉप से और 20 mm बॉटम से। और इसी की तरह ब्लॉक की डायमेंशन 42 टॉप से 38 बॉटम से। और ऐसे ही आपको ये सभी सीरियल वाइज रखते जाना है। और साथ ही साथ में जो ब्लॉक के ऊपर स्टील आएगा वो 2 स्टील आएंगे 8 mm के पर ब्लॉक, मतलब 2 स्टील आएंगे आपके वर्टिकली, जो एक ब्लॉक पे 2 स्टील आएंगे। और एक ब्लॉक पे जो हॉरिजॉन्टली आएंगे आपके, वो एक ब्लॉक पे 1 स्टील आएगा। ये सब मैं आपको साइड पे अच्छी तरह से समझा दूंगा कि आपको कैसे कौन सा स्टील डालना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने डी आर बीम बांध लिया है, और साथ ही साथ में जो आउटर बीम था सपोर्ट के लिए उसका स्टील हमने डाल लिया है। और इसी के साथ साथ जो हमारा रिब का स्टील था वो भी हमने फिक्स कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा हिडन बीम था और इसी के साथ पे ये रिब का स्टील हम बांध रहे हैं। रिब का स्टील बांध लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको ब्लॉक लगाने शुरू करने हैं। ब्लॉक लगाते समय आपको ये ध्यान देना है कि बीम के साथ साथ चारों तरफ आपका क्लोज्ड ब्लॉक आएगा, जो कि एक साइड से ओपन होगा और एक साइड से क्लोज होगा। जैसे कि आप ड्राइंग में भी देख सकते हैं, पहले ब्लॉक रखा था हमने, फिर बीम, फिर ब्लॉक, फिर बीम, फिर ब्लॉक। इसी की इस तरह आपको ड्राइंग में देख के इसका जो जो साइज है, जहाँ जहाँ पे इसका जो जो इसकी पोजीशन है, वैसे आपको रख लेना है। ब्लॉक रखने से पहले आपको सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फिक्स कर लेने हैं। तो चलिए मैं आपको अभी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में भी समझा देता हूँ कि आपको कैसे कैसे कौन से कनेक्शन रखने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, और इसमें क्या है, इसमें ये फैन का कनेक्शन दिया हुआ है, ये लाइट्स के कनेक्शन है, और ये जो ये भी लाइट्स के कनेक्शन है। साथ ही साथ में ये हमारा रूफ प्लान है, ये लाइट्स के पॉइंट हैं। और जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं ये एसी के पॉइंट हैं, और ये डीबी का पॉइंट है, इस पोजीशन पे आपकी डीबी आएगी। ये आप इसमें देख सकते हैं ये हमारे इमरजेंसी लाइट के कनेक्शन है,
और ये जो हैं ये हमारे स्मोक के कनेक्शन हैं। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल है, इसमें आपको सभी लोड डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल्स मिलेगी। और इसी तरह आपको ड्राइंग में देख के सभी कनेक्शन को फिक्स कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एसी के पाइप्स हैं और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये हमारे फैंस के और लाइट्स के पॉइंट हैं। साथ ही साथ में ये एक स्मोक का कनेक्शन है। और इसके बाद आपको क्या करना है, ड्राइंग में देख के जो हमारी 8 mm की जाली आएगी वो फिक्स कर लेनी है। जो 8 mm की हमारी स्टील मैश होगी जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपको फिक्स कर लेनी है। और इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपकी ये जो 8 mm का स्टील है ये रिब के स्टील के नीचे से गुजरे, रिब के स्टील के नीचे से गुजरे और हिडन बीम के भी नीचे से, और साथ ही साथ में DR बीम जो होगा उसके भी ये नीचे से आपको ये 8 mm का स्टील निकालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये DR बीम के नीचे से आपको ये सभी स्टील को ऐसे फिक्स कर लेना है। और साथ ही साथ में आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आप वर्टिकली देखें तो एक ब्लॉक में 2 स्टील आए हैं 8 mm के, और अगर हॉरिजेंटली देखें तो एक ब्लॉक पे 1 स्टील है। तो इसी तरह आपको ये सभी स्टील ऐसे फिक्स कर लेना है। तो 8 mm का स्टील बांध लेने के बाद आपको इसमें कवर ब्लॉक लगा लेने हैं, और साथ ही साथ में जहाँ जहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन थे वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बार डाल के उस जगह को कवर कर लेना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पैरापेट का स्टील फिक्स करना है। जैसे कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं ये आपकी पैरापेट की डिटेल है। इसमें क्या है, ये हमारी जो रिब स्लैब थी ये हमारा बीम है, और साथ ही साथ में इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा पैरापेट का स्टील है। वर्टिकली 12 mm का स्टील दिया हुआ है, 15 सेंटर टू सेंटर उसकी स्पेसिंग है, और हॉरिजेंटली हमें 10 mm का स्टील दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर उसकी स्पेसिंग है। तो ये स्टील आपको फिक्स कर लेना है। ये आपको ये देख लेना है कि ये बीम के इनसाइड तक आपको ये स्टील का स्टील की बार आपको बीम के सेंटर तक का आपको डालनी है, सेंटर तक या आप नीचे भी करके फिक्स कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पैरापेट के स्टील हैं जो वर्टिकली हैं ये, और इसी के साथ साथ जो हॉरिजॉन्टल स्टील आएंगे वो आपको ऐसे फिक्स कर लेने हैं। तो सब कुछ चेक कर लेने के बाद आपको कास्टिंग करवानी है, लेकिन कास्टिंग करवाने से पहले आपको उसकी स्लंप वैल्यू और क्यूब स्ट्रेंथ की जो उसकी वैल्यू होगी वो देखकर, उसी को ध्यान में देखकर आपको कास्टिंग शुरू करवानी है। साथ ही साथ में आपको कास्टिंग करते टाइम उसका कंक्रीट का ग्रेड और सीमेंट आप किस ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं और उसका बैचिंग टाइम, किस बैचिंग टाइम से ये कंक्रीट निकली है, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रख के चेक करनी है। कास्टिंग कर लेने के बाद आपको इसकी प्रॉपर क्यूरिंग का ध्यान देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जब आप शटरिंग खोल लें तो आपको ये जो स्लैब है ये कुछ ऐसे दिखाई देगी, ये हमारी रिप स्लैब है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक ब्लॉक एक बीम, एक ब्लॉक एक बीम करके ये हमारी रिप स्लैब है या हौर्दी स्लैब है, हम इसको हौर्दी ब्लॉक स्लैब भी कह सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।